हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 8 अगस्त 2023। शुरू करते आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज एक अनाउंसमेंट लेके आओ मैं। देखो, अनाउंसमेंट है इंडिपेंडेंस डे ऑफर। आप जानते हो कि अभी एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आया है, और अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का भी नोटिफिकेशन आया है। तो आपको इस एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए और उसके साथ आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आया है और आईबीपीएस एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर इनका भी नोटिफिकेशन आया है। तो उसके मद्देनजर देखते हुए आपकी तैयारी तंदुरुस्त करने के लिए आप जुड़िए हमारे साथ। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन लेक्चर भी मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, डेली करंट अफेयर रहेगा जो मैं लूंगा आपका। और ये एक बैच 7 अगस्त को शुरू होगा, एक बैच 17 अगस्त को शुरू होगा। तो इस मौके का फायदा उठाइए, अपनी तैयारी तंदुरुस्त कीजिए। शुरू करते आज का सेशन करंट अफेयर। देखो, पहला देखो, करेंगे रिविजन 7 अगस्त का। देखो, आदि परक्कु फेस्टिवल ये तमिलनाडु में अभी सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली मतलब 2 अगस्त के दिन लोकमान्य तिलक अवार्ड ये दिया गया है इन पुणे। उसके बाद अमृत वृक्ष आंदोलन ये ऐप लॉन्च किया है आसाम सरकार ने। अगला देखो, वाइस प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया साउथ एशिया कौन बने हैं? पुनीत चंडोक। आगे देखो, लगभग 155 लाख करोड़ का कर्जा फिलहाल भारत पे है, मार्च 23 की बात करो तो। अगला देखो, मोइन अली इंग्लिश क्रिकेटर रिटायर हो गए है, उसके साथ स्टुअर्ट ब्रॉड ये भी रिटायर हो गए है। आगे, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये किताब किसने लिखी है? नीरज चौधरी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किताब इंदिरा गांधी जी के जीवनी पे है। आगे देखो, पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कास्ट बेस्ड सर्वे फिर से शुरू कर सकते हैं। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है आज का, देखो, दीक्षा पोर्टल ये डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भारत के एजुकेशन मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे भारत के? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और इन्हीं का जन्मदिन 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। साथ ही साथ एक और दिन याद रखो, 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे। आगे देखो, कुछ डिस्कशन करते हैं, ऑप्शन का कुछ डिस्कशन करते हैं। यहां पे देखो, पहले है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रीज के कौन है मिनिस्टर? वीरेंद्र कुमार, ठीक है। सोशल जस्टिस के फादर किसको बोला जाता है? बी आर अंबेडकर जी को। इन्होंने स्कीम लेके आई थी नमस्ते, और एक सीड स्कीम, ठीक है। आगे डिस्कशन है होम मिनिस्ट्री का। देखो, कौन है भारत के होम मिनिस्टर? अमित शाह है, ठीक है। और ये और एक मंत्री है इसके बाद, इन्होंने होम मिनिस्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश में 4,800 करोड़ का एक स्कीम लेके आई है, कौन सा? विलेज डिफेंस गार्ड, ठीक है। और एक बच्चा लेबर मिनिस्ट्री, कौन है भारत के लेबर मिनिस्टर? भूपेंद्र यादव। अगर मैं भूपेंद्र पटेल की बात करूं तो ही इज अ सीएम ऑफ गुजरात। अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर का डेटा है कुछ, देखो लेबर का डेटा क्या कहता है, रोजगार
इसके आगे मैंने बी जोड़ दिया, बेरोजगार। सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग, मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, कहां पे है? हरियाणा में है, ठीक है, 37% लगभग है, ठीक है। इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और लीस्ट कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कितना है? 0.1% ओनली। यहां के सीएम है भूपेश बघेल। अगला सवाल देखो, विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन फीडे रैंकिंग, फीडे जो चेस की बॉडी है उसके रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पे पहुंचे हैं। मतलब भारत के अभी टॉप रैंकिंग पे कौन है खिलाड़ी चेस के मास्टर? ये है डी गुकेश। सवाल है विश्वनाथ आनंद का, डिस्कशन करते थोड़ा सा। देखो विश्वनाथ आनंद, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी है माइंड मास्टर, समझे। 1991 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, और ये पहला था जब स्टार्ट किया गया था 1991 में। ही इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर मैं देखो, यहां पे ऑप्शन देखो, सविता श्री और विजय लक्ष्मी। देखो सविता श्री कौन है? ये शी इज द 25th ग्रैंड मास्टर वुमन, ठीक है। एस विजय लक्ष्मी, एस विजय लक्ष्मी कौन है? शी इज अ फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया महिलाओं के कैटेगरी में। आपने देखा होगा ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर ये होता क्या है? ग्रैंड मास्टर पहले आपको बताता हूं, चेस, चेस की शुरुआत हुई थी इंडिया से, ठीक है। अगर किसी को ग्रैंड मास्टर का किताब चाहिए, किताब बोले तो ओदा, ग्रैंड मास्टर बुलाना है, तो उसको कितने पॉइंट लाने पड़ेंगे? 2500 पॉइंट अगर मिलते हैं ना फीडे रैंकिंग में, तो ये ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। विश्वनाथ आनंद के कितने थे पॉइंट? 2754। और डी गुकेश के कितने पॉइंट थे अभी? 2755.9। तो अभी विश्वनाथ आनंद को पछाड़ कर ये बन गए हैं हाईएस्ट रैंकिंग पे। आपने नाम सुना होगा आर प्रज्ञानंदा। कौन? आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा ने 3 टाइम मैग्नस कार्लसन को हराया है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन भाई, तो वो ग्रैंड मास्टर वो भी है, लेकिन उनके पॉइंट कितने हैं? उनके पॉइंट है ग्रैंड मास्टर बनने के लिए मैग्नस कार्लसन कितने पॉइंट है? 2828। मतलब अब तक के चेस के इतिहास में कोई भी 3000 के पॉइंट के आगे नहीं चला गया है, ठीक है। कोई भी 3000 पॉइंट के आगे नहीं चला गया है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। देखो ये क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 है, कौन से मिनिस्ट्री ने अभी एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका फुल फॉर्म है, इसका नया लोगो अनवील किया है, लॉन्च किया है? किसने किया है? पहले मैं आपको बताता हूं, एनएमडीसी, इसके लिए निखत झरीन, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका सही जवाब क्या है? स्टील मंत्री, ठीक है। मेरा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, देखो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो मैंने यहां पे ऑप्शन लिखे हैं, उन जो पोर्टफोलियो है उसके मिनिस्टर कौन है ये मुझे चाहिए, ठीक है। आप कमेंट कर लेना। आगे चलो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 4 नंबर का। सवाल क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कौन सा ऐप रिसेंटली लॉन्च किया है? एनएचआई, ये 1988 में बना था, ठीक है। संतोष कुमार यादव इसके चेयरमैन है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा ऐप बनाया था? राजमार्ग यात्रा, आप इसको गेस भी कर सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है। सारथी ऐप की बात करूं तो सारथी ऐप किसने बनाया है? सेबी,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके चीफ है मधाबी पुरी बुक, ठीक है। ये 1992 में शुरू हुआ था। केईएम केम केरला ई मोबाइल, ये ऐप किसने किया है? केरला ने शुरू किया है। सीएम कौन है केरला के? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। किसान मोबाइल ऐप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शुरू किया है आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की इंडिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1847 में बना था, ठीक है। ये है इंडिया का मैप। पर डिस्कशन करेंगे हम नेशनल हाईवे के ऊपर। नेशनल हाईवे के ऊपर अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं कौन सा नेशनल हाईवे कहां पे है। देखो नेशनल हाईवे में देखो एनएच का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 8 बड़े नेशनल हाईवे है जो मैं आज इस लेक्चर में कवर करूंगा। पहला देखो, पहला नेशनल हाईवे है कलकत्ता से दिल्ली तक, ये क्या है? एनएच 2 है। मैंने शुरू किया एनएच 2 से शुरू किया है, ठीक है। इसका सीक्वेंस है क्योंकि ये काइड बनाएगा, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं नेशनल हाईवे 3 की बात करूं तो ये आगरा से मुंबई तक है एनएच 3। अगर मैं नेशनल हाईवे 4 की बात करूं तो ये मुंबई से लेके चेन्नई तक है। उसके बाद अगर मैं नेशनल हाईवे 5 की बात करूं तो ये चेन्नई से लेके कोलकाता में है, एनएच 5 है। आगे क्या है? एनएच 6। नेशनल हाईवे 6 ये कहां से कहां तक है? कलकत्ता से लेके मुंबई तक, एनएच 6। अब बात है एनएच 7 पे, एनएच 7 कहां पे होगा? वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक, एनएच 7। अब बचा है एनएच 1। एनएच 1 कहां से कहां तक है? दिल्ली से लेके पंजाब अमृतसर तक। ये सबसे छोटा एनएच है, 456 किलोमीटर का है, समझे। देखो अगला सवाल, ये मैंने सवाल आपको कितनी बार करवाया है? 15 एडिशन ब्रिक्स का, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, ये कहां पे होने वाला है? ये यहां पे होने वाला है, मतलब साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जापान की बात करूं तो यहां पे जापान में क्या हुआ? G7। लिथुआनिया में क्या हुआ? नाटो, नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। G7 कब बना था? 1975 में बना था। नाटो कब बना था? 1949 में बना था। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स होने वाला है, इंडोनेशिया में आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये बना था 1967 में। देखो यहां पे लिख दिया मैंने। देखो दुबई में क्या होने वाला है? COP28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसियान इंडोनेशिया में, ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में, एससीओ होने वाला है इंडिया में, G20 होने वाला है इंडिया में, G7 हुआ जापान में। और एक बात यहां देखो, कॉड 2024 ये होने वाला है इंडिया में, कॉड 2023 ये कहां पे हुआ? जापान में। कॉड में 4 कंट्री आती है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। देखो अगला सवाल, देखो सवाल नंबर 6, ये सवाल इंटरेस्टिंग है। एफबीआई डायरेक्टर क्रिस्टोफर व्रे के न्यू स्पेशल एजेंट इंचार्ज ये कौन बने हैं? एक साल्ट लेक सिटी है वहां पे, इसका सही जवाब क्या है? शोहिनी सिन्हा, शी इज अ इंडियन ओरिजिन, नॉट इंडियन, ठीक है। ऑप्शन भी ऐसे है कि इंडियन है सब लोग। वनिता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, कौन है वनिता गुप्ता? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, कहां पे? यूएसए में। श्रीनिवास रेड्डी गूगल के गवर्नमेंट अफेयर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, गूगल ने अपॉइंट किया है श्रीनिवास रेड्डी को गवर्नमेंट अफेयर एग्जीक्यूटिव। उसके बाद अमित क्षत्रिय, मून टू मार्स मिशन है कौन सा? आर्टमिस,
जो यूएसए का है इसके लिए चीफ बनाया गया है, किसको? अमित क्षत्रिय को। आगे देखो अगला सवाल है सातवां, ये ऑबिचुरी पे है। ऑबिचुरी मतलब जो आदमी गुजर जाते हैं उसको बोलते हैं ऑबिचुरी, अक्सर एग्जाम में सवाल आता है वो क्या आपके सेक्शन में। देखो देखो सवाल है, नामदेव ढूंढो मनोहर ये भी गुजर गए हैं, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो इसका सही जवाब है पोएट, ये पोएट थे। ठीक है आगे देखो, ये है गिरीश, कानेकर ये गुजर गए हैं, ये है सुलोचना, सुलोचना लाटकर मराठी और हिंदी फिल्म में एक्टिंग करती थी, ये गुजर गई है, ये है सुलोचना चौहान ये गुजर गई है, उसके बाद ये जयंत सावरकर ये गुजर गए हैं, उसके बाद ये है, ये इंपॉर्टेंट है, रविंद्र महाजन, और ये है विक्रम गोखले। ये सब रिसेंटली हाल ही फिलहाल में गुजर गए हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। देखो ये क्या कह रहा है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 ये किस देश ने जीती है? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप ये जीती है भारत ने। ठीक है अगर मैं टॉप कंट्री की बात करूं तो यूएसए ने टोक्यो ओलंपिक में टॉप किया था, चाइना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में टॉप किया था, नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक में टॉप किया था। ये हुआ था 2022 में, ये हुआ था 2020 में, मतलब 2020 का टूर्नामेंट है, कंडोखा 2021 में। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्चरी के प्लेयर है जो आपको कभी भी भूलना नहीं है। पहले दीपिका कुमारी है, दीपिका कुमारी ये आर्चरी प्लेयर है, और दीपिका पल्लिकल स्क्वाश प्लेयर है। उसके बाद ये कौन है, अतानु दास, ये भी आर्चरी प्लेयर है। ये है राहुल बैनर्जी, राहुल बैनर्जी आर्चरी प्लेयर है। आगे है ये अभिषेक वर्मा, ये आर्चरी प्लेयर है। ये है बोमलया देवी लाइश्राम, ये भारत के आर्चरी प्लेयर है, और ये है जयंत ताडुकर। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।